एएमपी यानी एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स की जानिब से इंडियाज बिगेस्ट टैलेंट सर्च ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं, जिसके जरिए गुलबर्गा से एएमपी चैप्टर टीम ने प्रेस मीट कर गुलबर्गा के स्टूडेंट्स को इस टैलेंट सर्च एग्जाम में पार्टिसिपेट कर अपने काबिलियत को उभारने की गुजारिश की है। एएमपी के जरिए पूरे मुल्क में एग्जाम्स होंगे जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। इन एग्जाम्स के लिए 12 नवंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और 26 नवंबर रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी डेट रहेगी। 7 दिसंबर को गुलबर्गा में इनके एग्जाम्स होंगे जिसमें 8th स्टैंडर्ड से डिग्री कॉलेज स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप भी इस एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से एएमपी वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको बता दूं, उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चंस पेपर रहेंगे, जिसके लिए गुलबर्गा में 7 से 8 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। पार्टिसिपेट करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए यहां फ्री रजिस्ट्रेशन रहेगा। अगर आप भी इस एग्जाम्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 26 नवंबर से पहले ज़रूर रजिस्ट्रेशन करवा लें। ये एग्जाम ऑल ओवर इंडिया रहेंगे, जिसमें फर्स्ट रैंक लाने वाले स्टूडेंट्स को 30,000 रुपये कैश प्राइज दिया जाएगा और सेकेंड रैंक लाने वालों को 20,000 रुपये और थर्ड रैंक लाने वालों को 10,000 रुपये कैश प्राइज दिया जाएगा और फोर्थ रैंक से 10th रैंक लाने वाले स्टूडेंट्स को 2,000 रुपये और बाकी कुल 5th रैंक तक स्टूडेंट्स को 1,000 रुपये कैश प्राइज दिया जाएगा। इस तरह के एग्जाम्स स्टूडेंट्स के लिए आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में काफ़ी फायदेमंद साबित हो रहे हैं। एएमपी गुलबर्गा चैप्टर टीम में इमरान सौदागर, आसमा परवीन, मोहसिन शोहरवर्दी, तनवीर जमाल, वसीम इशाक और इकबाल खान काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और इस प्रेस मीट के जरिए और भी कई तफसीलात बताई गई हैं। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से एएमपी वर्ल्ड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा नाम इमरान सौदागर है, मैं एएमपी गुलबर्गा टीम का मेंबर हूँ। एएमपी एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी जानिब से एक नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि बच्चों को आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए हिम्मत अफजाई हो। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में होगा। इसकी रजिस्ट्रेशन 12 नवंबर को शुरू हुई है और 26 नवंबर तक रहेगी। 8th स्टैंडर्ड से लेके डिग्री, एनी डिग्री तक जो भी स्टूडेंट्स है, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th और एनी डिग्री के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एग्जाम 7 दिसंबर को गुलबर्गा में होगा और इसके रजिस्ट्रेशन amp.world.com से amp.world app से होंगे। उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेजेस में बच्चे इसमें एग्जाम लिख सकते हैं। गुलबर्गा में 7 से 8 सेंटर्स है जहां पे ये एग्जाम होगा। एग्जाम से पहले बच्चों को उनके मोबाइल्स में मैसेजेस आ जाएंगे कि उनका सेंटर, नियरेस्ट सेंटर कहाँ पे है, बच्चे जाके वहाँ पे इंशाल्लाह एग्जाम्स लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अस्मा परवीन, सेक्रेटरी ऑफ गुलबर्गा। मैं आपको इसके रजिस्ट्रेशन के बारे में बोलना चाह रहा हूँ। इसका रजिस्ट्रेशन फ्री है और 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए और पीयूसी फर्स्ट और पीयूसी सेकेंड के बच्चे और डिग्री कॉलेजेस के बच्चों के लिए इसका रजिस्ट्रेशन रहेगा और इसके सेंटर्स गुलबर्गे में 7 से 8 सेंटर्स होने वाले हैं इंशाल्लाह। तो आप इसके एग्जाम्स 7th ऑफ दिसंबर को एग्जाम रहेगा। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट 26th ऑफ नवंबर है एंड रजिस्ट्रेशन के लिए आप इसका प्ले स्टोर में जाके एक एएमपी वर्ल्ड ऐप करके है तो उसको आप डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। वहां से कोई भी इंडिविजुअल बच्चा भी अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा। उसके लिए सिर्फ आधार कार्ड नंबर चाहिए, फोन नंबर चाहिए, उससे आपका रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाएगा। अब सेंटर्स कौन सा भी गुलबर्गे में नियर बाई लिस्ट ऑफ सेंटर्स आ जाएगी, उसमें से आप कौन सा भी अपना सेंटर चूज कर सकते हैं। मैडम, इसमें बेनिफिट क्या है स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम देने के? इसका बेनिफिट्स ये हैं, ये इसका स्कॉलरशिप्स मिलेंगे आपको। स्कॉलरशिप्स बच्चों को जो 500 अभी इसका फर्स्ट टाइम जो आएगा ऑल ओवर द इंडिया इसके एग्जाम्स लेंगे, इंडिया में टॉप वन को हम 30,000 कैश प्राइस दे रहे हैं और सेकेंड प्राइस 20,000 है, थर्ड प्राइस क्या है 10,000 है और उसके अप टू द 50th पोजीशन पे जो आएगा उनको 1,000 रुपीज कैश प्राइज रहेगा। एक एग्जाम का एक बार, हर साल एग्जाम्स रहेंगे इसके, हर साल रहेंगे एनटीएस के एग्जाम, हर साल रहेगा। इसमें हम सिर्फ बच्चों को अवेयरनेस ये देना चाह रहे हैं कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कैसे अटेंड करना चाहिए, ओएमआर शीट्स कैसे यूज करना चाहिए और कैसे उनको एक कॉम्पिटेटिव कैसे क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो उसका अवेयरनेस बच्चों को बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसमें जो स्टूडेंट्स है, अभी हम बोले कि 8th, 9th, 10th के बच्चे हैं, 8th के बच्चों का सिलेबस जो मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, जो सोशल है, साइंस है, वही उसमें से ही रहेंगे। 100 मार्क्स के क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से ओएमआर शीट पे बच्चे को टिक करना रहेगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, कोई उतना मुश्किल नहीं रहेगा।
अगर बेसिक इंग्लिश जो इंग्लिश उनका क्लास का है वही रहेगा, और नाइन्थ के स्टूडेंट्स को नाइन्थ का सिलेबस, स्टेट सिलेबस जो भी अपना स्टेट सिलेबस है, नाइन्थ का नाइन्थ के वालों को रहेगा, टेंथ का टेंथ के बच्चों का टेंथ के हिसाब से रहेगा, और इलेवंथ ट्वेल्थ और डिग्री का जो भी रहे एक पेपर रहेगा। ये एट्थ का पेपर अलग आएगा, नाइन्थ का पेपर अलग आएगा, टेंथ का पेपर अलग आएगा, और डिग्री डिग्री पीयूसी और डिग्री का एक पेपर अलग आएगा, जो कि हम अलग से ही पेपर क्वेश्चन पेपर, और ये दो लैंग्वेजेस में रहेगा। यहाँ पर हमारे पास गुलबर्गे में दो लैंग्वेजेस में आएगी, इंग्लिश और उर्दू। ये जो टॉप 500 स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए बेनिफिट्स हैं, कुछ कोचिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे इनके ट्रेनिंग में अच्छी खासी फीस में कमी हो सकती है। वो जो इंस्टीट्यूट्स हैं, शाहीन ग्रुप है, और रहमान 30 है, रहमानी 30 है, और फलकॉन ग्रुप्स हैं, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ये हेल्प करेंगे आगे कोचिंग्स के लिए। जैसा कि आप लोग तमाम चीज़ें मालूम कर चुके हैं कि भाई ये एएमपी क्या है, एएमपी इमदादी इदारा जो कि तुलबा को उनके हायर स्टडीज़ के लिए सपोर्ट करता है और उनके लिए स्कॉलरशिप भी देता है, और इसमें कई और चैरिटी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इसको सपोर्ट करते हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इस टेस्ट का मतलब यही है कि बच्चों को खासकर चाहे इसके अंदर कहीं पे भी मजहबी तफरकी नहीं है, इसके अंदर इसे एग्जामिनेशन के अंदर कोई मजहबी तफरकी नहीं है, कोई भी हमारे हिंदुस्तानी भाई, हमारे अहमद मिलो, कोई भी इसके अंदर अपियर हो सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। और दूसरा ये है कि इसको 6 लैंग्वेजेस में इस टेस्ट में अपियर हो सकता है। पहला है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, गुजराती, बंगाली, ये तमाम लैंग्वेजेस में अपने हिसाब से, क्योंकि मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस हैं इसके अंदर, ये लोग कह सकते हैं। और इसमें ये जो टेस्ट है इसके अंदर, जैसा कि देखिए ये जो इसके एग्जामिनेशन पेपर आएंगे ऐसा इंग्लिश में आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज का है तो इंग्लिश में आएगा, अगर जो बच्चे उर्दू में देना चाहते हैं तो ये उर्दू में आएगा, ये उर्दू का पेपर है, ये तमाम चीज़ें इसी के अंदर है। और जब जो भी बच्चा इसके अंदर अपियर होगा तो उसको जो है एएमपी जो है अपना एक अप्रिशिएट सर्टिफिकेट दे रही है उसको, यहाँ पे इस किस्म से ये तमाम चीज़ें हैं। बस इसका मकसद ये है एएमपी का कि जो बच्चे हायर फीसेस देकर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाके अपियर नहीं हो सकते या इसे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में अपियर नहीं हो सकते, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये लोग जाकर वहाँ पे अपियर हो सकते हैं। और कई ऐसे अवार्ड्स हैं और उनके अपने फर्दर स्टडीज के लिए इसके कई कोई स्पॉन्सर इंस्टीट्यूट्स हैं, वो तमाम इंस्टीट्यूट्स इसको अपने फर्दर स्टडीज के लिए और उनके चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होने दो, चाहे कोई और फर्दर JEE हो, चाहे IIT हो, चाहे एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, ये लोग पूरा उसको सपोर्ट करेंगे। इसका प्लेटफॉर्म का मकसद यही है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको इस प्लेटफॉर्म से डेवलप किया जाए।